उदास नस्ले से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अब्दुल्ला हुसैन, जिन पर बहुत सी बात हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कर चुके हैं और जिनके बहुत से नॉवेल्स पर हम कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिन्हें आप आई बटन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब्दुल्ला हुसैन, जिन्होंने उदास नस्ल से शोहरत पाई और नादार लोग, कैद, बाघ और नशेब, जिसमें उनके अफसाने भी हैं और नॉवलेट्स भी हैं, इसी तरीके से एक और नॉवलेट रात, और फिर इसी तरह से उनके अफसाने फरेब और द वियरी जनरेशन के नाम से उदास नस्ले का खुद उन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया, और बहुत सी चीजें अब्दुल्ला हुसैन के क्रेडिट पे हैं, बहुत से मुबाहिस हैं, बहुत से रसायल में वो छपते रहे, उनकी गुफ्तगू है, बहुत सी जगहों पे उनके इंटरव्यूज हैं। अब्दुल्ला हुसैन हमारी असली तारीख का वो आईना है जिसमें पाकिस्तान अपनी तारीख, अपने अहद के वो तमाम सानेहात, वो तमाम वाकयात तदरीज के साथ या उसी तरीके या उसी तसलसल के साथ देख सकता है जिस तरह वो वकू पजीर हुए। उदास नस्ले में पाकिस्तान बनने का वो मंजरनामा है जो तीन नस्लों पर मुहित है, और किस तरीके से बरतानवी साम्राज्य अहद से लेकर पाकिस्तान बनने और पाकिस्तान बनने के कुछ वक्त बाद तक का वो मंजरनामा, जिसमें हमें ऐसी उदास नस्लें नजर आती हैं जो नहीं जानती उनका मुस्तकबिल क्या है, जो नहीं जानती कि वो किस डगर पे हैं, जो फैसला करने की ताकत नहीं रखते, जो सूझबूझ नहीं रखते, जो मामलात नहीं समझ पाते और जो बहुत ही उलझन और परेशानी का शिकार हैं। उदास नस्लें का ही तसलसल उनके जिस नॉवल में नजर आता है वो नादार लोग है। नादार लोग अब्दुल्ला हुसैन का वो नॉवल है जिस पर कम बात हुई, लेकिन जो अपनी अहमियत के लिहाज से उदास नस्लें से कहीं ज्यादा बड़े वकी किस्म के नजरियात और अफकार का मुतहम्मिल है। अब ये वो नॉवल है जिसमें अब्दुल्ला हुसैन ने पाकिस्तान बनने से कबल के ही कुछ हालात को लेकर, और जिसमें सिखों का मुसलमानों के साथ एक खास किस्म का रवैया है, एक उनसियत है, मोहब्बत है, और फिर उसी मंजरनामे को फैलाते फैलाते पाकिस्तान बनने का वाकया, तकसीम के दिलदोज हालात, और फिर वहां से चलते चलते इसमें पाकिस्तान की सियासी, समाजी, तहजीबी, तमद्दुनी, मजहबी और बहुत से तरह के जो पाकिस्तान के हालात और वाकयात हैं, मौशी हालात खासतौर पर, वो सब सिमटते सिमटते इस नॉवल में ऐसे एक मरबूत अंदाज में जमा हो गए हैं कि इसे पाकिस्तान की असली तारीख का नुमाइंदा नॉवल कहा जाए तो गलत नहीं। यूं समझ लीजिए कि उदास नस्लें का ही एक तसलसल है जो नादार लोग की शक्ल में हमारे सामने है, यानी वो उदास नस्लें जो बिल्कुल नादारी और मुफलिसी के दहाने पर खड़ी है। और यहाँ पर हम पाकिस्तान का वो मंजरनामा देखते हैं कि जिसमें एक नौजायदा मुमलिकत में इक्तदार की हविस रखने वाले लोग या वो मुफाद परस्त लोग जो पाकिस्तान के उन तमाम असासा जात पर, उन तमाम सीटों पर, उन तमाम अलॉटमेंट्स पर, उन तमाम चीजों पर, जमीनों पर, जायदाद पर काबिज होते चले गए, जो हकदार ना थे, जो उसके अहल ना थे, जो उन चीजों की सही तरह समझ बूझ ना रखते थे, एक नाअहल तबका मुसल्लत हो गया उन लोगों पर जो पहले ही कसम पुरसी में थे, जो मसाइल का शिकार थे, हालात जिन पर पहले ही तंग थे। तो किस तरीके से पाकिस्तान मुख्तलिफ जंगों से गुजरता है, यहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात भी आते हैं जो दिल दुखाते हैं, पाकिस्तान की उस सूरत हाल को तो वाजह करते हैं, उस मुफाद परस्त तबके को भी अयां करते हैं, लेकिन साथ ही साथ तकलीफ और दर्द का बायस भी बनते हैं। कहानी का आगाज कैप्टन सरफराज से होता है जो एक रेलगाड़ी के जरिए वापस आ रहा है अपनी ट्रेनिंग से, और जिसके भाई एजाज ने उसको यहाँ इस मकाम तक पहुंचाया है, और जो उनके वालिद हैं याकूब एवान, वफात हो चुकी है, और ये दोनों भाई हैं जो दोनों भाई मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदा हैं, एक भाई क्योंकि फौज में है और दूसरा भाई जो उस्ताद है। लेकिन यहाँ पर फिर हम बहुत से तल्ख वाकयात देखते हैं, यानी एजाज जो बड़ा भाई है, जो उस्ताद है, किस तरीके से वो उस मकाम से हटता है, और फिर किस तरीके से वो मजदूर यूनियन का हिस्सा बनता है, फिर एक सियासी पार्टी के लिए जदोजहद करता है, लेकिन हर जगह उसके ख्वाब टूटते चले जाते हैं। जहां जहां उसे लगता है कि इस जगह का हिस्सा बन के शायद वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकेगा या इस निजाम को तब्दील कर सकेगा, उस निजाम को तब्दील नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। हमारे मुल्क का इसे अलमिया कह लें या हमारी सियासी समाजी सूरत हाल का ये वो तल्ख बाब कह लें जो किसी सूरत में बंद नहीं होता, यानी मुल्क को सुधारने की जितनी भी कोशिशें हों वो रायगा ही जाती हैं, और इसका फायदा वो मुक्तदर या मफाद परस्त तबका उठाता है जो मुल्क से अपना तो फायदा लेता है लेकिन दूसरों का कभी फायदा नहीं करता। इसमें वो तमाम सियासी हुक्मरान भी शामिल हैं, वो अशराफिया भी शामिल हैं, वो मुक्तदर तबकात भी शामिल हैं जो हम पर पाकिस्तान बनने के बाद से मुसल्लत रहे हैं,
नॉवल के कुछ हिस्से बड़े ही बेबाकाना अंदाज में तहरीर किए गए हैं। खासतौर पर जो मर्द किरदार हैं वो मुख्तलिफ यूनियंस की भी अक्कासी करते हैं और यहाँ पर बशीर का एक किरदार भी आता है जो हालात से तंग आकर एक नाजायज रास्ता अपनाता है और फिर वो लोगों से अपनी बेबसी का, अपनी गुर्बत का इंतकाम लेता है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर एजाज का किरदार भी देखते हैं जो बहुत मायूस है। सरफराज का किरदार भी देखते हैं जो फौज में कैप्टन तो रहा, मेजर रहा और उसके बाद फिर किस तरीके से उसने मुख्तलिफ जंगों में भी अपनी खिदमात दी। वतन से उसकी मोहब्बत है बेतहाशा और फिर 1971 की जंग में जब उसे जंगी कैदी बना लिया जाता है, उसे वहां रखा जाता है, उसके साथ बुरा सलूक भी होता है और जब वो वहां से आता है तो वो पहचाना नहीं जा रहा होता। लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि उसी शख्स पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता है और उसके बाद उसको उसकी ओहदे से भी बरतरफ कर दिया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो वो तमाम तल्ख चीजें नॉवल का हिस्सा है। नॉवल में पाकिस्तान की, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, उसकी वजूहात, उसके मुहर्रिकात, उन तमाम चीजों को भी समेटा गया है और अब्दुल्ला हुसैन का कलम जितनी बेबाकी से चलता है और जितने खरे अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान की तारीख को इस नॉवल का हिस्सा बनाया है, कारी के लिए नॉवल की भुनक में से उन तमाम हिस्सों को पढ़ना और तकलीफ में मुब्तला होना बड़ा ही दर्दनाक है। नॉवल में जहाँ जबरजदा तबके की बात की जाती है तो वहां पर हम देखते हैं भट्टे का एक किरदार है जहां पर मजदूर हैं जो उस भट्टे में काम करते हैं, वहां पर ईंटें बनाते हैं और वो जो ईंट बनाने का अमल है उस दौरान वहां का जो तबका है, जो अथॉरिटेटिव या मुक्तदर तबका है, वो किस तरीके से उन मजदूरों से काम लेता है, उनके साथ ज्यादती करता है, जबर करता है, उन्हें मुसलसल काम में मसरूफ रखता है, उनकी औरतों के साथ बुरा सलूक करते हैं और एजाज जो उनकी मदद करने का ख्याल भी रखता है, चाहता भी है, लेकिन वो बेबस है। यहाँ मलिक जहांगीर का एक किरदार नजर आता है जो जबर के जरिए सिर्फ मफाद लोगों से लेना चाहता है और मफाद से बढ़कर उसको कोई चीज अजीज नहीं है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सकीना का किरदार भी नजर आता है, नसरीन का किरदार भी नजर आता है जो सरफराज के साथ जुड़े हुए किरदार है। हमें यहाँ भट्टे पर काम करने वाली कनीज का किरदार भी नजर आता है, जबरजदा किरदार, मतलब अब्दुल्ला हुसैन के यहाँ जो हमें निसाई किरदार नजर आते हैं वो कोई बहुत ताकतवर या दबंग किरदार नहीं है। ये किरदार बहुत ही डिम या मौशरे के दबे हुए या मौशरे के वो किरदार हैं जो निगलेक्टेड हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिनका ख्याल नहीं किया जाता, जिनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती और खासतौर पर जो मजदूर या मेहनतकश तबका है तो उसकी जो खवातीन है उनको तो खासतौर पर एक बुरे सलूक का या बुरे रवैये का निशाना बनाया जाता है, उनके उनकी इज्जतें भी पामाल की जाती हैं, उनके हकूक भी गजब किए जाते हैं, उनको बिल्कुल गुलामों की तरह रखा जाता है और भट्टे की एक ऐसी दुनिया है कि जिससे उन्हें किसी तौर निकलने भी नहीं दिया जाता। यानी वो जबरजदा हालात के मारे हुए वो लोग हैं जो जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, उन हालात से नहीं निकलते। देखा जाए तो नॉवल के इस हिस्से का इतलाक पूरे ही नॉवल पर होता है। यानी इस नॉवल में जो पाकिस्तान की अवाम को दिखाया गया है वो एक ऐसी ही नस्ल है या वो वही नादार लोग हैं जो जबर के इन हालात में पिसते चले जाते हैं, अपनी जिंदगियां पूरी की पूरी तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन सिले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो सब लोग एक ऐसे निजाम का हिस्सा है जिसमें उनके फायदे के लिए कुछ नहीं है, जहां उनसे बहुत कुछ लिया जा रहा है लेकिन उन्हें दिया कुछ नहीं जा रहा है, जहां किसी चीज का बदल नहीं है। जनाब नॉवल की टेक्निक अगर देखी जाए तो नॉवल की टेक्निक में हमें शऊर की रोह का भी कुछ काम मिलता है, कुछ माजी की तरफ सफर भी मिलता है जिसमें सिखों के हवाले से खासतौर पर अब्दुल्ला हुसैन एक मंजरनामा दिखाते हैं। इसी तरीके से जो असर हाजिर तक अगर वो इस नॉवल को लेकर आते हैं तो वहां पर हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का भी जिक्र आता है और उस रिपोर्ट के तहत होने वाले वाकयात, उनके असबाब, उनके मुहर्रिकात और वो ज्यादतियां, वो जबर, वो चीजें, वो सब कुछ भी इस नॉवल का हिस्सा बनता चला जाता है। यानी नॉवल मजमू तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख को अपने अंदर कुछ इस तरीके से समेट लेता है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाली सूरत हाल बन जाती है। यानी पाकिस्तान की तारीख भी मौजूद रहती है, कारी चाहे तो इसमें से बहुत कुछ समझ सकता है, बहुत से इशारे हैं, बैनुस सतूर बहुत सी बातें हैं, जागीर
जमींदाराना तबके का जुल्म भी नजर आता है, जमींदार या वो तबका जो अशराफिया है या सियासत पर जो एक कुशाकुश नजर आती है हुक्मरानों के माबेन, या वो लोग जो हमारे मुस्तकबिल के फैसले करने पर मामूर हैं, उन तमाम चीजों को आपस में समेट के बड़े ही सलीके और बड़े ही करीने के साथ अब्दुल्ला हुसैन ने ये नॉवल तश्कील दिया है। नॉवल के कुछ हिस्से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिससे आपको नॉवल का थोड़ा सा मजीद अंदाजा हो जाएगा। नॉवल का ये हिस्सा देखिए कि जब एजाज उन लोगों के बाबत पूछ रहा है कि जिन पर लाठी चार्ज हुआ है उनका क्या बना, मारे गए होंगे यानी लाठी चार्ज हुआ या मजीद गिरफ्तारियां हुई या पैसे दे दिलाकर ड्राइवर को छोड़ दिया हो गया हो और मजदूरों को अंदर कर दिया गया हो, मगर ये तो होता ही रहता है। बात इकट्ठ की है, यूनियनें क्या करती हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये बशीर का किरदार है जो एजाज को बता रहा है। उस दिन एक दो यूनियन तक बात पहुंची, वो एक दुकान के टेलीफोन पर बैठकर पूछते रहे कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं, अब कितने हुए हैं और अब कितने हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कम से कम 100 आदमी नहीं होंगे हम नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं। जब उनको इत्तला मिली कि 100 से ज्यादा आदमी जमा हो गए हैं तो फिर एक दो लीडर साहिबान आए, तकरीरें की, नारे मरवाए, खबरें लगवाई, अंदर जाकर थानेदारों से बात की और मजदूरों को दिलासा देकर वापस चले गए। मजदूर के खून का पास किसको है। तो इसी तरीके से फिर वही बशीर जो है वो एजाज को कुछ और बातें समझाता है कि एक मजदूर, यानी हम देखते हैं कि बशीर अगर एक मनफी रास्ते पर चलता है तो उसके पीछे वजूहात या वो असबाब और मुहरकात क्या है जो उसे इन हालात तक लेकर आए। बशीर खामोश हो गया, एजाज के ख्याल में अब कोई बात करने की न रही थी। बशीर ने दोबारा अपनी बात जारी की, उस रोज मुझे एक बात का पता चला, इकट्ठ में कोई ताकत है या नहीं मगर ये बहुत बड़ी बात है। मलिक साहब मैं आपको बताता हूँ, दिहाड़ीदार मजदूर सुबह सवेरे खाली जेब घर से निकलता है, पीछे घर में थोड़ा बहुत आटा है तो उसकी औरत 2-4 रोटियां पकाकर बैठ जाती है, नहीं तो इंतजार करती रहती है। वो दिहाड़ी लेकर आता है तो हांडी चढ़ती है, अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो रेड़ी वालों से कर्ज पे काम चलता है। तो जनाब मलिक साहब, मजदूर के लिए दिहाड़ी तोड़ना कोई आसान काम नहीं, वरना ये सिर्फ वही जानता है जिसने कल का खाना कमाने के लिए बाहर निकलकर काम करना होता है, वरना कल गई, चली गई, गायब हो गई, कैंसिल हो गई, परसों में तब्दील हो गई, समझ रहे हैं ना आप। तो एक मजदूर का अलमिया क्या है और किस तरीके से वो उन हालात में गुजारा करता है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। इसी तरीके से एक और जगह अब एक मुकालमा देखिए कि क्या बताया जाता है एजाज को कि इस इलाके में 20-30 भट्टे हैं, लोगों से मिलता रहता हूँ, इन लोगों की जिंदगियां इस तरह से गिरवी की नजर हो चुकी हैं कि जिंदगियां नहीं रही बल्कि एक दस्तूर में तब्दील हो चुकी हैं। इनसे कोई मुख्तलिफ बात करो तो समझते हैं कि आप दस्तूर के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने धड़े पर चलने में ही आफियत समझते हैं, फिर भी कभी कभी 100 में से एक बंदा मिल ही जाता है। आज तक इनका कोई निजाम कायम न हो सका, ना ही कोई इनकी जानिब निगाह करता है। तकरीरें करने वाले लीडर समझते हैं कि ये कीड़े मकौड़ों से भी गए गुजरे लोग हैं, उन्हें इन लोगों में अपना कोई फायदा नजर नहीं आता, यानी जो भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं उनको लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं और नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। एक और हिस्सा देखिए कि जिसमें सियासत के कुछ असबाक बताए जा रहे हैं कि सियासत के दो सबक जहन नशीन कर लो। पहला सबक मशहूर कहावत के मुताबिक ये है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो, मतलब ये कि कुछ भाई बिरादरी सरकार के साथ भी रखो और कुछ अपोजिशन के साथ भी, ताकि जिसका राज हो हुकूमत अपने ही हाथ में रहे। दूसरी बात, जहांगीर हाथ फैलाकर अंगूठा फैलाकर दोनों उंगलियों पर मलने लगा, यानी ये है, वो बोला, फिर हाथ पहलू पे ले जाकर कुर्ते की जेब को थपथपाया और बोला ये, यानी रुपया और पैसा। अब बात क्या हो रही है, यानी मलिक जहांगीर का जो एक मफाद परस्त किरदार हमें यहाँ पर नजर आता है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पैसा ही दरअसल सब कुछ है। अब यहाँ देखिए कि वो लोग जो हक बात करते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, तो उसका कुछ हिस्सा और कुछ अहवाल मुलाहजा कीजिए। मेरे पांवों में बेड़ियां हैं, मैंने कहा मुझे इल्म नहीं कि मैं कहां पर हूं और किस अकूबत खाने में बंद हूं, हर तरफ ताले लगे हैं, मैं यहां से भागकर कैसे और कहां जा सकता हूं, क्या आप लोग मेरे हाथ नहीं खोल सकते, कम से कम हाथों को आगे लाकर ही हथकड़ी लगा दें, मेरे कंधों में दर्द से टीसें उठ रही हैं। तो इस तरह के कई तकलीफ दे वाकयात भी हमें इस नॉवल में नजर आते हैं। और अब इख्तिताम में देखिए कि जहां इतना सब कुछ होने के बाद भी भट्टे की जिंदगी वैसी ही रहती है और कारोबारी जिंदगी उसी डगर पर उसी नहज पर चलता रहता है। आखिर में जब पीर साहब ने भट्टे को कत्ल के बुरे असरात से पाक करार दे दिया तो अगले ही रोज दूसरे भाइयों की निगरानी में भट्टे का काम जोरों शोर से शुरू हो गया। अब नुकसान को पूरा करने के लिए 12 की बजाय 16 घंटे रोजाना की शिफ्ट हुई और ईंटों की तादाद फी टब्बर ऊंची मुकर्रर कर दी गई। 7 रोज से तसल्ली से बैठकर मुफ्त के चावल खाने से उनके चेहरों पर जो ताजगी की झलक आई थी उसी सूरत से गायब होती चली गई।
और उनके बदनों पर कदीम उसरत के निशान दोबारा एक लेबल की मानद चस्पा हो गए। अब ये जिस्म नोक वाले खानदान गुर्बत की बेखबरी में सर झुकाए मुशक्कत में लगे थे। पथीरे लोहे के दाबड़ों में गीली मिट्टी डाल आकर ढेर करते, जिसे उनकी औरतें और बच्चे मुठियों में भर भरकर सांचों में भरते जाते। बीच बीच में सांस लेने को रुककर वो हंसकर बातें करते और बेले चीथड़ों से उभरी हुई नसों वाले नंगे बदनों का पसीना पूछते चले जाते। यानी कुछ भी हो जाए, मुल्क का निजाम नहीं बदलता और चीजें वहीं की वहीं मौजूद रहती हैं। तो अब्दुल्ला हुसैन ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मंजरनामा इस नॉवल में कलमबंद किया है, वो बतौर खास लायक तहसीन है, लायक सताइश है। और देखा जाए तो अब्दुल्ला हुसैन का ये वो नॉवल है जो एक बड़े वसी कैनवस में पाकिस्तान की तहरीक का इतना खूबसूरती से अहाता करता है, या इतने सलीके से उन तमाम चीजों को अपने कलम का हिस्सा बनाता है, अपनी बिलासाख्ता दाद निकलती है। उर्दू अदबियात के तालिब इल्मों को अब्दुल्ला हुसैन का ये नॉवल जरूर पढ़ना चाहिए। इस नॉवल को सिंगे मील पब्लिकेशन ने शाया किया है। नॉवल बहुत उमदा है और लायक मुताला है। जरूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया।